मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस का फ्रेंचाइजी देने वाली कंपनी है। स्पीड फोर्स ने 200 से ज्यादा आउटलेट ओपनिंग किए है पूरा पैन इंडिया, और इंडिया के बाहर की बात करूं तो एशिया स्पेसिफिक्स में भी हमारा बहुत बड़ा रोल आने आने रहा है। स्पीड फोर्स की बात करें तो स्पीड फोर्स 7 साल पुरानी कंपनी है, और 7 साल में करीबन 200 से ज्यादा सक्सेस स्टोरी हमने क्रिएट किया है। स्पीड फोर्स की टीम के बारे में बताऊं तो 240 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाली टीम है। यानी अगर मैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारी पूरी टीम का जो एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो, यानी आप अगर एक फ्रेंचाइजी लेते हैं तो वहां पे आपको एक अलग लेवल का वहां पे एक्सपीरियंस मिल रहा है। क्योंकि आप देखो तो हम जब पढ़ाई करने जाते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि कैसी यूनिवर्सिटी में जाए, तो उसी तरह हम जब बिजनेस करने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कैसा बिजनेस करें और कौन सी कंपनी के साथ करें। तो स्वीट फोर्स के बारे में दूसरा आपको पता है कि इंडिया से ओनली इंटरनेशनल ब्रांड है, दूसरा एशिया का नंबर वन ब्रांड है, और यही एशिया का नंबर वन ब्रांड को बराबर जस्ट कल हमारे जो अशोक जी ने बताया कि बड़ा बिजनेस और के फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा है जिन्होंने जिनको 10 अलग अलग यूट्यूब के ऊपर और अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने क्रिएट किया है, और बहुत ही बड़ा परिवार है, बहुत ही बड़ा, और उनकी चैनल के ऊपर आना यानी एक गर्व, एक ब्रांड एज अ ब्रांड ओनर मेरे को बहुत गर्व की बात है। क्योंकि आज की तारीख में अगर देखो तो ये उनका जो चैनल और उनका जो पार्टनरशिप है पूरे इंडिया में है, बराबर। जिस तरह से हमारा फ्रेंचाइजी अप्लाई हर एक एरिया में हर एक ब्रांड के साथ वो अलग लेवल का ब्रांड को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते हैं, उसी तरह डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनका जो टीम है बड़ा बिजनेस का, वो बड़ा बिजनेस का जो टीम है वो हर एक ब्रांड को अलग लेवल पे लेके जाना है, और उनके फ्रेंचाइजी को ट्रेनिंग, उनके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग, उनके परिवार के जितने मेंबर्स है उनको ट्रेनिंग, वो सारा ट्रेनिंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे अशोक जी ने बताया उसी तरह हम कोई उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। हम आपको सबसे पहले जो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था और जो कल से लेके आज ऑलमोस्ट 5 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा है, तो मैं चाहता हूं कि अभी और हम लोग भी एक बार देख लेते हैं, फिर हम सारे क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। बिंद्रा जी ने बहुत ही अच्छा टाइटल दिया है, मैकेनिक टू मिलियनर, बराबर। एक मैकेनिक भी मिलियनर बन सकता है। अभी कैसे बना है ये सारा पूरा उन्होंने एक स्टोरी में बताया है, तो मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, तो हम बने रहेंगे सब। बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने समझे, एक मैकेनिक मिलियनर नहीं मल्टी मिलियनर बन गया। कैसे हुआ ये? पंचर लगाने वाला मैकेनिक, एक स्कूटी बाइक ठीक करने वाला मैकेनिक आज 200 फ्रेंचाइजी दे चुका है, 25,000 कस्टमर बना लिए, 1,00,000 से ज्यादा स्कूटी और बाइक की सर्विस कर चुके हैं। तो मैंने अपने लीडरशिप पर मैं ट्रेनिंग दिया, कपिल भिंडी और दीपेन बराई गुजरात के दोनों, और जैसे जैसे आगे बढ़े बाद में अशोक शाह को मैंने पार्टनर बनाया। ये कैसे गेम चेंज हुआ? 5 स्ट्रेटेजी में दूंगा आपको, ये रियल कहानी समझ में आएगी और समझ में आता है कि बिजनेस को बड़ा कैसे किया जाता है। प्रॉब्लम प्रोडक्ट पोजिशनिंग प्रोसेस प्रॉफिट 5 P के अंदर आपको देने वाला हूँ। बिजनेस को थोड़ा मजाक के लिए शुरुआत करते हैं। एक बार एक मैकेनिक किसी बाइक का ठीक कर रहा था, बाइक ठीक करने के बाद कस्टमर आया बोला 800 रुपया लेबर चार्ज। कस्टमर बोला एक घंटे में 800 रुपया? एक घंटे के 800 रुपए इतनी फीस तो मेरी भी नहीं है, मैं तो इंजीनियर हूँ। तो मैकेनिक बोला जब मैं इंजीनियर था तो मेरी भी इतनी नहीं थी। देखिए आज मैकेनिक खूब पैसा कमा लेता है, कैसे कमाता है आपको बताता हूँ। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूँ, फाउंडर सीईओ बड़ा बिजनेस.com, गेम चेंजर है। मैकेनिक मल्टी मिलियनेयर कैसे बना? किसी भी बिजनेस को सीखने के लिए, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए पहला भी है प्रॉब्लम, और मैकेनिक की इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? लैक ऑफ ट्रस्ट। वर्कशॉप में गाड़ी जाना मतलब ये खाली जाना, विश्वास नहीं करते लोग, टाइमिंग लंबी लंबी लाइन में लगना, देर तक गाड़ी का वेट करना, 2 दिन तक गाड़ी नहीं मिलना, तीसरी कस्टमर सर्विस तो है ही नहीं, सर्विस तो पता नहीं पीठ पीछे क्या हो रही है, मेरी गाड़ी में क्या किया मुझे पता ही नहीं चलता। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स थी। तो पहले चैप्टर देखिए, प्रॉब्लम के अंदर आपको 15 बातें बताऊंगा कि क्या फ्रॉड होते हैं बाजार, और उनको देख करके उन फ्रॉड को पकड़ करके कैप्चर भी इनकन्वीनियंस को पकड़ करके इस कंपनी को बनाया गया। तो आपके लिए इसमें स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया रहेगी सीखने को। आपको फ्रॉड तो देखने को मिलेंगे मिलेंगे, एक कंपनी कैसे बड़ी हुई सीखने को मिलेगा, और मेरे लीडरशिप पर मिलेगा क्योंकि मैं लीडरशिप पर इनको ट्रेन किया। तो पहला
कई बार आप जाते हो किसी मैकेनिक स्कूटर बाइक स्कूटी के मैकेनिक के पास, लोग आपकी माइलेज नहीं दे रही है बाइक इस समय, तो वो कहता है कि भाई आपकी क्लच प्लेट बदलनी पड़ेगी क्योंकि आपकी माइलेज नहीं दे रही है। अब क्लच प्लेट की जरूरत नहीं थी, कई बार कार्बोरेटर फ्यूल मिक्सचर को ठीक कर दो काम ठीक हो जाता है, वो काम खाली 200 रुपए का था कार्बोरेटर फ्यूल मिक्सचर का, लेकिन क्लच प्लेट बदलने से उसको 700 रुपया मिल जाता है। आपको लगता है यार हो सकता है क्लच प्लेट ही खराब हो। मुनाफे को चुनने की बजाय अगर ग्राहक को सुनने पर ध्यान दोगे तो बिजनेस में हमेशा आगे रहोगे। इस पे अभी प्रॉब्लम कितनी सारी है बाजार के अंदर। एक बार आपकी बाइक में गाड़ी में डेंट होता है, अब डेंट में उसके पास में एक वैक्यूम पंप की मशीन होती है जिसमें वो पंप को अंदर फिट करे और वो बाहर सक्शन से उसको खींचता है और डेंट बाहर निकल आता है। पर वो क्या कहता है, ओहो गाड़ी तो आपकी धोने लग जाएगी, जिसमें तो डेंट भी होगा, पेंट भी होगा, रिपेयर भी होगा। अब अगर वो सक्शन पंप से खींचता और डेंट बाहर आ जाता तो लगभग जीरो कॉस्ट थी। हाँ, सक्शन पंप खरीदने की उसकी वैक्यूम पंप की कॉस्ट थी, लेकिन वो डेंटिंग पेंटिंग के नाम पे आपसे कम से कम 2000 रुपए की लेता है। शॉकर के मामले में कभी कभी गाड़ी आपकी बबलिंग करने लगती है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट से माइनर रिपेयर से काम चल जाता है, पर वो कहता है कि भाई माइनर रिपेयर नहीं करूंगा मैं इसमें, तो भैया शॉकर बदल दो तो काम बन जाता है उसका। तो रिपेयर करने की जगह वो शॉकर बदल देता है, शॉकर 3000 रुपए में बदलता है, छोटा सा रिपेयर 500 रुपए में काम हो जाता है। देखो मुद्दा क्या है, याद रखना कि ग्राहक को ठग कर कभी भी कोई अमीर नहीं हुआ, पर ये गलतियां होती है, ये शॉर्टकट अपनाए जाते थे इस इंडस्ट्री के अंदर। आपके जबरदस्ती कई बार अगर व्हील में कटकट की आवाज आती है तो बैरिंग चेंज करने से या ग्रीसिंग से काम चल सकता था और वो पूरा पहिया बदलने की कोशिश करता है। 200 रुपए के काम पहिया बदलने पे 3-4 हजार रुपए का हो जाता है, कमाने का तरीका है। वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है आपके साथ, कहीं हिडन कॉस्ट होती है। पॉलिशिंग का चार्ज बाद में बताता है, धुलाई का चार्ज बाद में बताता है, बैटरी की चार्जिंग करना वो बाद में बताता है, एक्स्ट्रा लेबर चार्ज वो बाद में बताता है, शुरू में आपको बताता ही नहीं है। अब जैसे क्योंकि कस्टमर ना इग्नोरेंट है तो मैकेनिक उसका एडवांटेज लेता है, मतलब कस्टमर तो इतना इग्नोरेंट है कि चुटकुले बन जाते। एक बार रामू अपनी बाइक की बैटरी लगवाने गया तो मैकेनिक ने बोला सर एक्साइड की बैटरी लगा दूं, तो बोला एक्साइड की नहीं नहीं तू काम कर दोनों साइड के लगा दे, एक्साइड की क्यों लगाता है। अब बेचारा ये भी चुटकुला भी इसलिए बना है तो कस्टमर बेचारा इग्नोरेंट है क्योंकि वो इतना डिसऑनेस्टी इसी चक्कर में करता है। आपके व्हीकल का ऑयल चेंज करना होता है तो मैकेनिक बड़ा बिल बनाने के लिए ऑयल फिल्टर को खराब बताएगा, ऑयल नट को लूप कर बता के बदल देगा, इसके अलावा ऑयल डालते वक्त ऑयल कम डालता है, ऑयल इकट्ठा करके बाद में वो ज्यादा दाम पे या पैसा बचाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा 1 लीटर ऑयल इकट्ठा करके किसी दूसरे को बेच देता है। आपको जो कई बार ओवर चार्ज करने के लिए वो वाले खर्चे करेगा जो कि इनविजिबल बाहर से आपको दिखाई पड़ता है। जैसे आपको जाने के बाद बोलेगा भैया ब्रेक खराब थी आपकी, ब्रेक शो नहीं डाल दिया, ब्रेक शो आपको दिखते नहीं, वो अंदर होते हैं। पंचर आपका एक आया था बताता 4 पंचर लगाए, क्योंकि पंचर आपको दिखता नहीं है, ओरिजिनली लगा था कि नहीं लगा था, वो 4 जगह आपको वहां पे लगा हुआ पैच दिखाई पड़ जाता है। कई बार बिना कंफर्मेशन के रिपेयर कर देता है आपको। देखो लीगली आप एंटाइटल्ड हो सारे के सारे क्रैक ब्रोकन या बियॉन्ड रिपेयर कॉर्पोरेशन को वापस मांगने के लिए, पर मैकेनिक की ऐसी बदमाशी है वो रिप्लेस करने का वापस नहीं देता, उससे भी पैसा कमाता है। और कभी आपको कई बार बदलता है ना तो वो उस सस्ता माल लगा देता है क्योंकि सस्ते माल में कमीशन ज्यादा होती है, चीप ऑटो पार्ट्स जिसको बोलते हैं, भाई उसकी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है नहीं, 1 साल चलने वाली चीज 6 महीना चलती है तो आपको दोबारा जाना पड़ता है, वो चाहते ही दोबारा आए। भाई देखो फ्यूल मीटर होता है वो टंकी के अंदर होता है, आपको दिखाई देता नहीं है, जो ओरिजिनल वाला है वो 1200 रुपए का आता है, लोकल 400-500 रुपए का आता है। इंजन की कॉइल होती है वो नीचे इंजन के साइड में लगी होती है, आपको नहीं दिखती, जो ओरिजिनल ब्रांड है वो 800 का देगा, लोकल 150 रुपए का देता है। अच्छा आपसे वो चार्ज 800 के हिसाब से कर लेता है, लगातार आपको 150 वाली आइटम है। हेडलाइट होती है ओरिजिनल आएगी 900-1000 रुपए की, लोकल आएगी 250 रुपए की। अच्छा आपको पता चले कि नहीं, देखने में तो बाहर में कैसी लगती है। अब गियर का लीवर होता है, इसे चेंज करना इतना आसान है कि आपको पता भी नहीं लगेगा, और ओरिजिनल लोकल की पहचान करना मुश्किल है कि ओरिजिनल 250 का लोकल 75 का है। तो दोस फोकस ऑन मेकिंग अ सेल, नाइदर गेट सेल नॉर गेट कस्टमर। मैकेनिक के साथ ये दिक्कत रहती है, इन्हीं प्रॉब्लम्स को समझा इस कंपनी ने। अनट्रेन्ड स्टाफ होता है, छोटू से उस्ताद का काम करा, छोटू नया लड़का है उसी को कहता है यही हमारा उस्ताद है, यही करेगा काम। अच्छा उस्ताद जो है बैटरी में पत्ते खेल रहा है और छोटू लगा हुआ ठीक करने में है जी, घू एक्सीडेंट चलाया जा रहा है। अच्छा उस्ताद जी बैठा अपने पत्ते खेल रहा है। अब टेक्निकल काम जो ट्रेन मैकेनिक ही कर सकता है, वरना तो इंजन खराब हो जाएगा। अब लोकल मैकेनिक जो है वो गाड़ी को ठीक करने के बजाय खराब करता है और फिर वापस ठीक करने के लिए अलग से आपका बिल बना लेता है। इतने फ्रॉड है इसके अंदर कि आपको बाद में फियर फैक्टर भी बिल्ड करता है। गाड़ी का शॉकर खराब हो गया, 2 सवारी बैठ के चलाने में दिक्कत होगी। अगर खराब सड़क हुई ना, ऐसी दुर्घटना होगी कि भैया फिर तो आप मटके न मिलोगे, आप घबरा जाते हो,
पीएम मटके में है, हरिद्वार में नहीं है, 2000 रुपए में शॉकर गया, फटाफट 3000 रुपए की बनवा लेते हो। आपका ब्रेक शू खराब हो रहा है भाई साहब, अगर तेज ब्रेक लगाए तो गया गेम ओवर, इस दुनिया से अलविदा हो जाओगे। नया ब्रेक आपका शू लगाने के चक्कर में 500 का से बना लेता है। अच्छा ये तो छोड़ो भैया, कहीं तो इसलिए पिछली टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको बाद में पढ़ा सकते हैं। जैसे स्कूल में होता है ना भाई, स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराते हो, ड्रेस भी हम देंगे, किताब भी हम देंगे, जूता भी हम देंगे, मौजा भी हम देंगे, बात क्या कर रहे हो, कई बार माँ बाप कहते हैं तो बच्चा भी आप ही दे दो। तो आपको जो इंजन ऑयल भी हमसे खरीदना पड़ेगा, आपको स्पेयर पार्ट भी हमसे लेना पड़ेगा, बार बार की हम गारंटी नहीं देते, बार के इंजन ऑयल की गारंटी नहीं देते, सर्विस करते वक्त कोई डेंट स्क्रैच हो गया तो हमारी गारंटी नहीं है, सर्विस करते वक्त पेट्रोल तो आपका इस्तेमाल करेंगे करेंगे, पिक एंड ड्रॉप की बात करती तो एक्स्ट्रा पैसा ले लेंगे। देखो भैया इसी चक्करों में मैकेनिक के पास आदमी इग्नोरेंट जाता है और उसका बेचारे की पिटाई हो जाती है। अच्छा महिला जाएगी तो ऐसा लपेट लेते हैं कि महिला को तो कुछ नहीं पता होगा। एक बार एक लड़की गई थी मैकेनिक के पास, तो बोली स्कूटी की सर्विस करानी। मैकेनिक बोला अरे मैडम आपकी जो स्कूटी के अंदर इंजन ऑयल लगी, ब्रेक भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, अरे आपका तो क्लच भी ठीक नहीं चल रहा है, कैसे चलाती है। तो लड़की बोले अरे ये सब छोटी मोटी बातें, इनको छोड़ो, पहले आप शीशा ठीक कर दो भैया। तो अब बेचारे लड़की को तो खाली शीशा देखना था, उसको ये सब पता नहीं है। इसको बोलते हैं इग्नोरेंस का फायदा उठाना। फायदा उठाने के चक्कर में ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्द बोल देते हैं। क्यों क्या बोलेगा आपको, टाइमिंग चेन, पुशर, रबर, कपलिंग, आपको बोलेगा कपलिंग रबर है जी, हाफ एक्सल क्लच सेंटर एंड हब और रॉकर सेट, आप भी लोग अच्छे तो बड़ी चीजों को भैया भाषा। अब एक रेस्टोरेंट में गया, मुझे कहता है दो समोसे चटनी के साथ में, ओ भाई साहब है जी। अच्छा एक और 7-star होटल में गया दुबई में, है जी अब बुर्ज खलीफा टाइप, तो वो पूछा क्या खिला रहे हो भैया, कहता है starches in a single delectable package, crisp on the outside and tender on the inside, unleavened whole wheat flat bread, whole wheat flat bread, and must be done, whole wheat bread, but not much, stuffed with savory spiced potato mixture, savory spiced aloo hoga, potato mixture, a flavored condiment made with fresh mint, cilantro, lemon, chili, paprika, and ginger garlic. Because it's not kya raha hai. और लेके आए देखा आलू का पराठा साथ में धनिया की चटनी, ये सब क्या है। ऐसी ऐसी बातें बता दो आपको बिग वर्ड्स, तो आप जो कहोगे अरे तो कोई बड़ी चीज है, बाद में देखो जी कुछ नहीं डाला उसने। मैं कह ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है सिखाता हूँ आपको, आप दूसरे टीम पे आता हूँ प्रोडक्ट। तो इन्होंने कहा कि भाई ये प्रॉब्लम है तो प्रोडक्ट क्या बना, मेरी यूएसपी क्या होनी चाहिए, कंपनी का नाम स्पीड फोर्स है, मेरे अपने क्लाइंट्स मैंने इनको मेंटर किया है। इन्होंने प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या किया कि नॉन डोमेन का आदमी भी अगर वर्कशॉप खोलना चाहे तो कैसे खोलेगा, उसको स्टैंडर्डाइज टूल, इक्विपमेंट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी सेंट्रिक उसको बना दूं, मोबाइल ऐप, ईआरपी सॉफ्टवेयर दे दूं, जेन्युइन टॉप क्वालिटी स्पेयर पार्ट हम ही उसको प्रोवाइड करते हैं, बैटरी टायर वगैरह, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी का सिस्टम ऐसा लगा कि बेचारा कोई भी आपको आने की जरूरत नहीं पड़े, पिक एंड ड्रॉप कर लें, और अगर वो अपने घर से भी बैठ करके कैमरा पे मोबाइल पे देख सकेगा कि भाई मेरी बाइक में डल जा रहा है, अगर कहीं रास्ते में खराब हो जाए तो रोड साइड असिस्टेंस दे दे, आपको ब्रेक डाउन हो स्पीड फोर्स को फोन करो, 30 मिनट पर ठीक करने आ जाएगा आपके पास। ग्रेट कस्टमर सर्विस का मतलब ये नहीं कस्टमर इज ऑलवेज राइट, इट मींस कस्टमर इज ऑलवेज ऑनर्ड। तो उन्होंने कहा कस्टमर की सारी प्रॉब्लम के लिए प्रोडक्ट बनाते, तो उन्होंने छोटू उस्ताद सिस्टम बना दिया, ट्रेन करके सॉफ्ट स्किल, प्रोफेशनलिज्म, मैनेजमेंट वैल्यू सिस्टम के साथ ट्रेन किया। अब छोटू जो है वो छोटू है, अब छोटू एक बार बाइक पर लगा हुआ बूम बूम एक्सीलेटर दबा रहा है, तो उसे उस्ताद ने पूछा क्या कर रहा है, बोला कुछ नहीं आवाज सुन रहा हूँ। अब तो ये छोटू सिस्टम हटा दिया, छोटू एक बार बाइक का व्हील रिपेयर करना था, रिपेयरिंग करते वक्त व्हील में आवाज आ रही थी, तो कस्टमर ने पूछ लिया अरे भैया क्या कर रहे हो, बोला मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ आप क्या कर रहे हो। तो ये जो है ये सब सिस्टम हटाना जरूरी था, एक अम्ब्रेला स्ट्रेटजी बना दी उन्होंने, सर्विस, स्पेयर, रिपेयर, इंश्योरेंस, एएमसी, एडिशनल असिस्टेंट, वारंटी, डिस्काउंट स्कीम, सब कुछ मैं यहाँ दे दूँ इस छत के नीचे, अगर एक छत के नीचे सब दे दूंगा तो कस्टमर आएगा उसको। ऐसा डिजिटलाइज सर्विस सेंटर बना दे, इतना टैब लेकर के मैकेनिक जो हेड मैकेनिक है टैब लेके बैठता है, टैबलेट पे आपको साथ में और टेलीविजन पे आपको दिखाता है कि क्या क्या होगा, आप जहां जाते हो वहां वेटिंग लाउंज बना दो, अब आपको बाइक मैकेनिक वेटिंग लाउंज कभी दिखाई नहीं। तो ये जो है ना ये आपके ये सब चीजें नहीं होती थी गैराज में कि बैटरी टायर एसेसरी आपको दूसरी जगह जाना पड़ता था, यही मिल जाए आपको। डिसरप्टिव कस्टमर सर्विस ये है मेन चीज इनका प्रोडक्ट था, इनका मेन प्राइम फोकस इसी के अराउंड है कि मैं व्हीकल की क्वालिटी को मेंटेन करूं, अच्छी सर्विस देते हुए, अगर आप ग्राहक की सुनेंगे तो ग्राहक आप ही को चुनेंगे, बस यही मुद्दा था। अब प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट को बाजार में लेके कैसे जाए, पोजिशनिंग क्या करें, पोजिशनिंग क्या होता है, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट जो है फैक्ट्री में बनता है, जो पोजिशनिंग है वो दिल में बनती है, प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, ब्रांड दिल में बनता है। तो मैं ऐसी कैसे रिकॉल वैल्यू जनरेट करूँ, कस्टमर वापस आए, ब्रांड प्रेफरेंस कैसे क्रिएट करूँ। तो तीसरा थिंग पोजिशनिंग। अब ये मैकेनिक भाई ने क्या किया, पहले आउटलेट से गुजरात में चालू किया, बहुत छोटे से शहर में जामनगर के पास में, और वहां पर इसे चालू किया। और चालू करने के बाद आज देखो ऐसा पोजिशनिंग क्रिएट कर दिया पूरे गुजरात में, बात है पूरे देश में पहुंचे कि भाई मेरा ब्रांड प्रॉमिस ये है कि मैं आपके आपको एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस देना चाहता हूँ। मेन मुद्दा ये है, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट शुड यू बी नोन फॉर, आपको किस चीज के लिए अच्छा लगना चाहिए। तो स्पीड फोर्स 200 आउटलेट खोल दिए, 1000-2000 आउटलेट में जाने लगे हैं। ये है एक्सीलेंट पोजिशनिंग। एक्सीलेंट पोजिशनिंग, पोजिशनिंग क्या है, प्रोफेशनलिज्म देंगे, अच्छा प्रोसेस देंगे, ट्रांसपेरेंसी देंगे, आपको जो सामान है आपका वापस कर देंगे जो खराब हुआ है, ट्रस्ट वर्दनेस होनी चाहिए, जो आपको पहले बजट बना के दिया उसे ज्यादा पैसा नहीं देंगे, कस्टमर सर्विस अच्छी देंगे, अफोर्डेबिलिटी देंगे। तो टू व्हीलर सर्विसिंग की सारी समस्याओं का सॉल्यूशन बिल्ड किया, एक चेन क्रिएट कर दी फ्रेंचाइजीज की, सारे फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट किया, कस्टमर परसेप्शन कस्टमर एक्सपेक्टेशन को एक्सीड किया। तो स्पीड फोर्स ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो था मैकेनिक का उसको ऑर्गेनाइज बना दिया, उसको ब्रांड के अंदर दिया। अब ब्रांड के अंदर आप जाओगे आपको लगेगा भाई कंपनी के सर्विस स्टेशन पर ज्यादा पैसा लगता है, लोकल मैकेनिक माल खराब कर देता है। तो ब्रांड मिल गया जो लोकल के रेट पे आपको काम करके देगा, ये बनाया प्रोडक्ट है इनका। अब ये प्रोडक्ट तैयार हुआ, इससे कस्टमर का ट्रस्ट आता है, कस्टमर जब हैप्पी और सेटिस्फाइड होता है तो आपको 5 R मिलते हैं, बढ़िया रिव्यू, लोग रिपीट दोबारा आएंगे, रेफरेंस दूसरों को भेजेंगे, अच्छी आपको रेटिंग देंगे और रिटेंशन होगा, मतलब हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। ग्राहक का रिश्ता तब तक खास होता है जब तक उसको दुकानदार पर विश्वास होता है। तो विश्वास को एक प्रोडक्ट की तरह बनाया और उसको पोजिशनिंग की तरह बाजार में लेकर जा रहे हैं। लोकल सर्विस सेंटर जाओगे वो अपने प्रॉब्लम पूछेगा, भाई गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है अपनी गाड़ी में। लेकिन आप इनके यहाँ पे जाओगे तो ये आपसे नहीं पूछेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी बाइक में ये दिक्कत आ रही है, आपकी स्कूटी में ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि इनका डायग्नोस्टिक बहुत अच्छा है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो दवाई से पहले आपका टेस्ट कराते हैं, टेस्ट करने के बाद होता है दवाई कौन सी देती है, ऐसे ये पहले 21 चेक पॉइंट टेस्ट करते हैं, सारे टेस्ट करा दिए, टेस्ट करने के बाद फिर आपको कहते हैं ये दवाई पहले कैलकुलेट कर दिए, पहले इन्फॉर्म कर दिया, कस्टमर ने हामी भर दी, अब काम चालू करेंगे। When you serve the customer better, they always return on your investment. Otherwise, अगर आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, कस्टमर को मालूम ही नहीं, कस्टमर आपके पास आएगा ही नहीं, कस्टमर तभी आएगा। तो ये मैंने आपको बताया 3 PM तक, प्रॉब्लम को समझा, फिर प्रोडक्ट बनाया, फिर उसको पोजिशन इसी तरीके से किया, अब आता है उसको एक्सपेंशन कैसे करें, वो हो गया आपका प्रोसेस। चौथा पी, कई बार लीडरशिप वाले प्रोग्राम में लोग मुझसे पूछते हैं प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को कैसे डिजाइन करते हैं, मेरी कंपनी में प्रोसेस कैसे बनाओ, क्योंकि जब तक प्रोसेस नहीं होगा स्केल नहीं आएगा, आप लल्लू लाल रह जाओगे, आप वही बैठ करके एक दुकान पे मिठाई बनाते रहोगे, आप वही बैठ करके एक दुकान के मैकेनिक बने रहोगे। लेकिन मैकेनिक मिलेनियर मल्टी मिलेनियर हमारे लीडरशिप मॉडल में बनता है और बनता है, ये आपको बता रहा हूँ मैं कैसे। आप इस वीडियो को पूरा देखोगे ना आपको लगेगा आपने बिजनेस में बहुत कुछ सीखा है। तो मैं समझाता हूँ प्रोसेस का मतलब क्या है। प्रोसेस का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन, साइनेज, प्रोसेस, SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रोप्राइटरी टूल, टेक्नोलॉजी कैसे बनाए, सॉफ्टवेयर कैसे लाए, बिजनेस का ब्लूप्रिंट कैसे लिखे, बिजनेस के मॉडल कैसे बनाए, ऑपरेटिंग मेथड कैसे होंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होगा, ट्रेडमार्क क्या होगा, मैनुअल क्या होंगे। जब ये प्रोसेस आप बना लेते हो और यही कंसिस्टेंट कंज्यूमर एक्सपीरियंस हर टच पॉइंट पे लेते हो, हर फ्रेंचाइज पे ये एक्सपीरियंस मिलने वाला है, हर आउटलेट पे ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आपको नया आउटलेट खोलना मुश्किल नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, प्रोसेस में एक्सपेंशन के लाइन दबाया, तो 1 से 2-4 फ्रेंचाइजी बनाया और प्रोसेस अच्छा करते गए, 10 फ्रेंचाइजी में प्रोसेस बहुत अच्छा कर दिया, 25 फ्रेंचाइजी में प्रोसेस काफी इंप्रूव कर दिया, अब पूरे देश में चले गए, अब हर राज्य में पहुंच गए, अब इनकी रनिंग कॉस्ट का खर्चा खत्म, इनके प्रॉफिट अपने आप बढ़ रहे हैं, रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा है, इंटरनेशनल प्रेजेंस हो गई, अब विश्व में पहुंच गए, इकोनॉमी ऑफ स्केल आ गया। इसीलिए कहते हैं कि तेज रहो पहले रहो, लेकिन कभी अकेले मत रहो, क्योंकि अब इन्होंने क्या पूरा नेटवर्क बना लिया फ्रेंचाइजीज का, अभी अकेले नहीं गए, अब इनका प्रोसेस एक्सपेंशन हुआ। प्रोसेस का मतलब एक्सपेंशन, प्रोसेस का मतलब बड़ा करना, प्रोडक्ट मतलब एक जगह से बेचना, प्रोसेस मतलब आप पूरे देश दुनिया से बेचना। अपने आप को ऊपर देखने के बजाय आपको दूसरों को ऊपर उठने में मदद करनी चाहिए, वही उन्होंने फ्रेंचाइजी के साथ किया, एक मैकेनिक फ्रेंडली मॉडल बना दिया, कोई एफर्ट ना लगे आपका। 12 फ्रेंचाइजी तो क्या महिलाएं चला रही, अब महिला थोड़ी बाइक ठीक करती है, लेकिन 12 फ्रेंचाइजी महिला चला रही है। नॉन सीजन बिजनेस है, सीजन में कोई चक्कर नहीं, सर्दी गर्मी हो बरसात, बाइक ठीक करने की जरूरत पड़ती है, चाहे दिन हो या रात, रिसेशन फ्री हो गया, लॉकडाउन फ्री हो गया, क्योंकि आजकल भी बाइक को रिपेयर करना भी एसेंशियल सर्विस के अंदर आ गया है। आपके कम से कम भी 24 राज्य ऐसे हैं जिसको एसेंशियल सर्विस मानते हैं कि लॉकडाउन भी हो गया तो भी बाइक ठीक हो रही है वहां पे। वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है ये, और आउट ऑफ डोमेन के लोगों को कैसे ला सके, जो कभी मैकेनिक का काम नहीं किया वो भी जुड़ सके। तो उन्होंने 2017 में फ्रेंचाइजी देना शुरू किया और आज आते आते 200 हो गए, इस साल के अंत में 1000 करने की कोशिश कर रहे हैं। साधारण लोग एक साथ मिलकर असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं, और वही इनका मॉडल है, लो कॉस्ट दे और हाई रिटर्न करते हैं।
तो देखो कैसे आप प्रोसेस तक आते आते एक्सपेंशन होने लगा, जीरो रॉयल्टी का मॉडल बना दिया, मैकेनिक कोई टेंशन नहीं कि भाई मुझे फ्रेंचाइजी को रॉयल्टी देनी पड़ेगी, एक बार इन्वेस्टमेंट है उसके बाद रिकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं है। अब फ्रेंचाइजी को कैसे बनाना था, अब उस पर सोचने लगे कि भाई कम खर्चे में फ्रेंचाइजी कैसे बनाऊं, तो उन्होंने सोचा कि 400-500 स्क्वायर फीट में मेरे को वर्कशॉप करना चाहिए, इनिशियल छोटा सा एग्रीमेंट करूंगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सोचने लगे मैकेनिक है भाई बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए उसको, उसको भाई बस सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, कॉलेज पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं, पैशन हो उसके अंदर, और मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास को तो अच्छी बात है, बिजनेस इंटेलिजेंस होना चाहिए, विल होए स्किल हम सिखा देंगे, लेवल विल आ जाए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो फ्रेंचाइजी को अब सपोर्ट देने का उन्होंने प्लान किया कि भाई सर्विस ऐसा बनाऊंगा सेक्टर के लिए पिज्जा कैफे लगे, ताकि पिज्जा कैफे में लड़कियां जा सकती हैं, मैकेनिक यहाँ भी लड़कियां आ सके। तो फुटफॉल कैसे बढ़ाए, फिर उन्होंने फुटफॉल पे काम किया, टूल्स इक्विपमेंट दिया, ब्रांडिंग मटीरियल बना दिया कि ड्रेस मटीरियल कैसा रहेगा मैकेनिक का, मैकेनिक अपनी वर्दी में रहता है स्पीड फोर्स की, भाई आउटलेट का फ्रंटेज कैसा होगा, उसके इंटरनल ग्राफिक्स कैसे होंगे, आपका फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग कैसी होगी, इंडक्शन ट्रेनिंग क्वार्टरली हाफ ईयरली सॉफ्ट स्किल ऑन द जॉब, और ट्रेनिंग किनकी होती है, तीन लोगों की होती है, एक फ्रेंचाइजी की, एक सुपरवाइजर की और एक मैकेनिक की। फिर उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया, भाई दो साल तक हैंड होल्ड करेंगे और टाइमली बजट करके आपकी ऑडिट भी करते रहेंगे। अब उसे नया कस्टमर लेके आना, उसको मार्केटिंग को लैटरल चाहिए, तो कैनोपी बना के देते हैं, लीफलेट देते हैं, प्रमोशनल मटीरियल देते हैं, स्टेशनरी देते हैं, इन्विटेशन कार्ड, जॉब रजिस्टर बनाते हैं, लेटर हेड देते हैं, इनवॉइस कार्ड के कैसे देगा, बजटिंग कार्ड अपना कैसे देगा। तो यही उन्होंने तैयारी करी फ्रेंचाइजी के लिए। अगर फ्रेंचाइजी की सुनेंगे तो फ्रेंचाइजी आप ही को सुनेंगे। अब आता है पांचवा पी, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट इनके हर फ्रेंचाइजी को कैसे कमाया जाए, ये पोटेंशियल है इंडस्ट्री का, देखा कि पोटेंशियल बहुत बड़ा है। इंडिया एक लीडिंग देश बन चुका है, चाइना को पछाड़ दिया उन्होंने बाइक स्कूटी और मोपेड के मामले में, सब्सटेंशियल ग्रोथ हो रही है 12% इस मार्केट की लगातार पिछले 6 साल से, और बड़ा उसमें प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। लोग भाई अगर रोड साइड गैराज होगा तो उससे आप काम करा नहीं सकते, ऑथराइज सर्विस सेंटर से आप करा नहीं चाहते, क्योंकि रोड साइड गैराज जो होगा वो बाइक भी खराब कर देगा, फालतू पैसा देगा, काम ठीक नहीं करेगा, ऑथराइज सर्विस सेंटर जाओगे तो आपकी जीप खत्म कर देगा। तो ग्राहक की समस्या और मांग इसमें ना बदलाव रहता है हमेशा, और इसी से नए व्यवसाय की आवश्यकता पड़ती है, और यही नया व्यवसाय खड़ा हुआ। पांचवें पी पे आप समझो कि प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं, हर 3 में से 1 घर के अंदर टू व्हीलर है ही है, और टू व्हीलर का जो शेयर है वो 75% हो गया, बाकी सारे व्हीकल्स को मिलाकर के उसका 75% है। और अब चाहे ऑफिस जाता है, पुलिस वाला है, बैंक जाने वाला है, बिजनेसमैन है, सेल्स बॉय है, इंश्योरेंस एजेंट है, कोई भी है, यंग बच्चा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सबके पास टू व्हीलर रहता ही है। 60 करोड़ टू व्हीलर है हमारे देश के अंदर, और 60 करोड़ टू व्हीलर को साल में 3 बार सर्विस करानी होती है, यानी कि साल में 180 करोड़ सर्विस होती है, और 300 दिन को डिवाइड करते हैं 180 करोड़ से, यानी कि 6 करोड़ सर्विस हर रोज होगी। अगर 6 करोड़ सर्विस हर रोज होगी तो फिर इस सब में इसका मतलब मार्केट बहुत बड़ी है। अब इसीलिए इनका फ्रेंचाइजी, इनका ग्रोथ, इनका रेवेन्यू 300% बढ़ रहा है, और अब ये इस समय 28 राज्यों में 3 देशों के अंदर पहुंच गए। ये है आपका मॉडल। मैंने आपको 5 पी में समझाया कि बिजनेस में अकेला इंसान सिर्फ एक पानी की बूंद के समान है, और पूरी टीम बन जाती है तो वो समुद्र के समान बन जाता है। अब प्रश्न ही उठता था कि भाई फ्रेंचाइजी पैसा कैसे कमाएगा, भाई कुछ फ्रेंचाइजी शुरू में पैसा नहीं कमा पा रहे थे, तो उन्होंने 18 प्रकार की इनकम बना दी फ्रेंचाइजी की। भाई सर्विस से भी ले लो, एसेसरी से कमा लो, स्पेयर से कमा लो, टायर से कमा लो, कोटिंग से, इंश्योरेंस करा लो, लेबर चार्ज दे लो, वारंटी से कमा लो, बैटरी से कमा लो, बैटरी चार्ज करोगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है तो उसका भी सर्विस चार्ज लगा लो, सर्विस फैसिलिटी दे दो, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लो, 18 प्रकार की इनकम हो गई, तो आज फ्रेंचाइजी कमाने लगा। कहते हैं कि अगर तुम्हें कहीं जल्दी पहुंचना है तो अकेले जाओ, पर अगर दूर पहुंचना है तो सब एक साथ जाओ, सारे के सारे पार्टनर्स के साथ एक साथ आगे बढ़ने लगे। आज स्पीड फोर्स की टीम में 250 साल का एक्सपीरियंस, बड़े बड़े लीडर्स इनके हो गए हैं, बहुत लीडर हायर कर लिए। ये अशोक शाह, कपिल भिंडी और विपिन बराई, 3 लोगों ने शुरू किया, ये मेरे लीडरशिप फनल के प्रोग्राम से ट्रेन है, और आने वाले बैच में भी आने वाले हैं। ये 11-12-13 को फिर से आएंगे हमारे पास में, फ्राइडे सैटरडे संडे 11-12-13 मार्च को मैं लीडरशिप फनल का अगला बैच लेके आ रहा हूँ। तो ये जो है आपने देखा कि एशिया का नंबर 1 यानी इन्फ्लुएंसर मार्केट है, एशिया का नंबर 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने किया है। और अभी हम बताएंगे कि स्पीड फोर्स के साथ आपको क्यों जुड़ना चाहिए और ये कैसे अलग है। तो मेरे साथ कपिल भाई है, कपिल भाई हमारे साथ, कपिल भाई है आज ये वेबिनार में। कपिल भाई गुड आफ्टरनून, मेरा नाम कपिल, कपिल भाई के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि कपिल भाई जैसे बिंद्रा जी ने बोला ना मैकेनिक, थैंक यू दीपेन भाई, तो कपिल भाई ने वो काम किया है यहाँ पे स्पीड फोर्स में कि यानी ईच एंड एवरी कस्टमर, क्योंकि हमने स्पीड फोर्स का मॉडल ऐसा है कि मॉडल पहले नहीं बना था, पहले आउटलेट बना था,
ब्रो, पहले आउटलेट बना, फिर वो आउटलेट को हमने ग्रो किया, 3-4 साल और 4-5 आउटलेट बनाए और सारे आउटलेट को हमने ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद ब्रो 2-4 लोगों को और हमने ग्रो किया, और उसके बाद ये मॉडल हम बनाया है। तो ये जो डिफरेंस है, यानी अगर मैं बात करूं तो स्पीड फोर्स अलग क्यों है, तो मैं वहां पे बताऊं कि कपिल भाई आपको बताएंगे कि क्यों जुड़ना चाहिए स्पीड फोर्स के साथ, इसके बारे में आपको पूरा सब बताएंगे कि ये बिजनेस और स्पीड फोर्स बिजनेस अलग क्यों है मार्केट में दूसरों के सामने। तो कपिल भाई, ओवर टू यू। थैंक यू दीपेन भाई। फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम कपिल है, जैसे दीपेन भाई ने बताया। वैसे आपने बिंद्रा साहब के मुंह से सारी कुछ चीजें सुनी ली है, और इतने बड़े आदमी ने हमारे बारे में बताया क्या है हम लोग, और दीपेन भाई ने भी काफी ब्रीफ आपको किया होगा। मैं आपसे कुछ 5 मिनट में ये शेयर करना चाहता हूँ कि वाई स्पीड फोर्स इज डिफरेंट, हम लोग अलग क्यों है, और क्यों आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए, हमारे में ऐसा क्या है, मतलब वाई वी आर यूनिक, वाई वी आर। देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग का जो स्केल है, एक तो ये हमारी कोई कंपटीशन है नहीं मार्केट में, हमारा जो स्केल है, हमारा जो काम है, हमारा जो प्रोसेस है, हमारे जो एसओपी है, हमारी जो टीम है, जो कि आज एक इतने बड़े आदमी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपको हमसे जुड़ने, हमारे साथ जुड़ने से 250 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो हमारे पास जो टीम है वो आपको हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। आप हमारे पास फ्रेंचाइजी क्यों ले रहे हैं, आप कोई भी कंपनी की या कोई भी बिजनेस की फ्रेंचाइजी बिजनेस में आप क्यों जुड़ते हैं, ये समझना सबसे पहले जरूरी है। ये जरूरी इसके लिए है कि आप हम में वो विश्वास आपको है कि हम आपको आगे लेके चलेंगे, हम आपको बिजनेस में ग्रो कराएंगे, हम आपको इनकम अर्निंग कराएंगे, हम आपको जिंदगी में पीढ़ी दर पीढ़ी हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये कैसे लेके जा सकते हैं, जैसे हमारे वीडियो में आपने देखा होगा, या दीपेन भाई ने जैसे अभी 2 मिनट पहले बताया, कि हम खुद आज भी ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं जो हम अपनी फ्रेंचाइजी को सिखाते हैं। मार्केट में ऐसी बहुत सी छोटी मोटी रीजनल लेवल पे, छोटे लेवल पे, या कुछ क्षेत्रीय लेवल पे, कुछ सिटी के लेवल पे, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, छोटे मोटे प्लेयर हैं जो के हमसे कॉपी कर रहे हैं, या हमारा आइडिया कॉपी, लेकिन कॉपी कॉपी होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। फ्रेंड्स, आज आपको पता होगा, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि एप्पल, आज एप्पल कंपनी वर्ल्ड नंबर 1 फोन कंपनी है, बहुत सारी कंपनीज ने उनके फीचर्स कॉपी कर लिए, बहुत सारे कंट्रीज ने उनको कॉपी कर लिया, लेकिन फिर भी एप्पल नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ सर्विस, वो आपको कॉपी में नहीं मिलता। जितनी भी क्षेत्रीय कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां मार्केट में है, उन्होंने कभी वर्कशॉप नहीं चलाए हैं। आज आपको, जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम आपको डे टू डे ऑपरेशन सिखाते हैं कि आज आपको जरूरी क्या है, बिजनेस समझना। कोई बोलेगा 5 लाख में दे रहे, कोई बोलेगा 6 लाख में दे रहे, कोई बोलेगा ये करके दे रहे, कोई बोलेगा वो करके दे रहे, लेकिन वो कब तक करके दे रहे, उन्होंने खुद वर्कशॉप नहीं चलाए हैं। आज मार्केट में हमारी स्ट्रेंथ जो है वो ये है कि हम आज लगभग 6 आउटलेट, 6 वर्कशॉप हमारे खुद के चला रहे, और जो 10-10 साल, 15-15 साल से हमारे सक्सेसफुल वर्कशॉप है। तो एम्प्लॉय रिटेंशन कैसे किया जाता है, कस्टमर सर्विस कैसे की जाती है, इनवॉइसिंग कैसे की जाती है, स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। एज अ बिजनेस आप हमारे पास फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो आपका सबसे पहला एक्सपेक्टेशन होता है वो ये होता है कि हम आपको बिजनेस सिखाएं, क्योंकि आप बिजनेस के बाहर से हैं। आपके पास 10 कस्टमर आ जाते हैं, या 15 कस्टमर आ जाते हैं, या 100 कस्टमर, या 500 कस्टमर, लेकिन संभालेंगे कैसे? संभालने के लिए आपके पास बिजनेस नॉलेज चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा ये USP है कि इंडिया में एकमात्र कंपनी ऐसी है जो खुद प्रैक्टिस करती है। मैं भी आज वर्कशॉप चलाता हूँ, हमारे शाह सर जो हमारे सीनियर है वो भी वर्कशॉप चलाते हैं, तो हम रोज वर्कशॉप चलाते हैं, रोज सीखते हैं, और हमारी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी फ्रेंचाइजी पे जो डिफिकल्टी या जो प्रॉब्लम आए, उससे पहले हमारे पास वो आ जाए, ताकि हमारी फ्रेंचाइजी को प्रॉब्लम ना आए, हम प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम एकमात्र कंपनी ऐसी है हिंदुस्तान में जो खुद के वर्कशॉप चलाते हैं। हम AC में बैठ के मॉडल नहीं चलाते, हम
कंप्यूटर में बात करके फील्ड में सिर्फ वो आपको लैंड देने का वो एश्योरिटी नहीं है, वो तो हम सबसे पहले कर रहे हैं। मिनिमम बिजनेस गारंटी तो हम सालों से कर रहे हैं, हम 5 साल से दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उसके बाद डे टू डे जो ऑपरेशंस आपका होता है, रोज आपको जो बिजनेस में रोजमर्रा का जो काम होता है, वो केवल और केवल स्पीड फोर्स आपको देगा। कोई भी आप कंपनी ले लीजिए, कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी कंपनी ले लीजिए, किसी के पास खुद के वर्कशॉप चलाने का अनुभव नहीं है, जो कि केवल और केवल स्पीड फोर्स के पास है। तो जो हमारे बिंद्रा साहब ने बोला है कि एक मैकेनिक टू मल्टी मिलियनर कैसे बना जाता है, वो हमने हिंदुस्तान में पहली ऐसी कंपनी है, और हमारे केवल हम नहीं पर हमारे फ्रेंचाइजी भी मिलियनर बने हैं। आपको चाहिए तो हम ऑन रिकॉर्ड आपको दिखा सकते हैं कि हमारे कुछ फ्रेंचाइजी मिलियनर कैसे बने हैं हमारे साथ जुड़ के, और ये डेटा हमारा ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको जब भी चाहिए हम आपको दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज कुछ कंपनी आपको फ्रेंचाइजी देती है, आपको सारा कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं या 4-5-6 लाख रुपए में आपको मॉडल बेच देते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि डे टू डे ऑपरेशंस में जब कस्टमर आपके पास आता है, जब आप फ्रेंचाइजी में या आपकी कंपनी में उस कोई भी कंपनी में आप फोन करते हैं कि सर हमको ग्रीन बूस्ट चाहिए या एयर फिल्टर चाहिए, तो पहले वो सोचते हैं कि एयर फिल्टर या ग्रीन बूस्ट होता क्या है, क्योंकि उन्होंने चलाया नहीं ये वर्कशॉप, जबकि हमने डे टू डे ऑपरेशंस में आज भी चला रहे। किसी भी कंपनी का खुद का ओन वर्कशॉप नहीं है, केवल और केवल स्पीड फोर्स के पास ये अनुभव है, और हमारे इस अनुभव का फायदा आपको हम 100% डे इन डे आउट देंगे। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप ऑरेंज टू ऑरेंज और एप्पल टू एप्पल आप कंपेयर करिए, फिर आपको असलियत पता चलेगा कि एक नंबर वन कंपनी के साथ जुड़ने से आपको कितने फायदे मिलते हैं। थैंक यू दीपेन भाई। थैंक यू कपिल भाई। और जैसे कपिल भाई ने बताया आपको, और बिंद्रा जी ने भी बताया, बिंद्रा जी ने क्या बताया आपको कि अकेला आदमी होता है बरोबर, तो वो कैसा होता है? अकेला आदमी यानी ठहरा हुआ पानी होता है बरोबर। और अगर आपको नजदीक जाना है तो अकेले जा सकते, लेकिन दूर तक जाना है तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो यही मोटिव के ऊपर स्पीड फोर्स हम आगे लेके जा रहे हैं, सबको साथ में लेके जा रहे हैं। आप आज हमारा हर एक फ्रेंचाइजी है उसको हम आगे बढ़ाते हैं, हर एक फ्रेंचाइजी को हम सबको साथ में लेके जाते हैं। अभी लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे अशोक जी।